देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा से है। नवादा नगर थाना क्षेत्र के खरीदी बीघा गांव में किरानी सामग्री के गोदाम में देर रात आग लग गई। इस घटनाक्रम में गोदाम में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने दमकल लेकर घटनास्थल पर पहुंच काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के क्रम का पता नहीं चल सका है। देर रात होने पर गोदाम मालिक अमित कुमार को जानकारी मिली कि गोदाम में आग लग गई थी। मामले की छानबीन में जुट गई है। इसके बाद नवादा जिला से सुजीत जले हुए सामान को देखकर अफसोस जताया। इस संबंध में नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस का अमित कुमार गुप्ता। क्या चीज का गोदाम था ये? बिस्किट टॉफी का गोदाम था। कैसे हो गया ये? बिस्किट का होलसेल काम करते थे हम लोग। पूरे परिवार जो है गए हुए थे बोध गया डहरिया बिघा। मेरी बड़ी बहन का देहांत हो गया था, उसी का दस क्रम में गए हुए थे और दस क्रम से ही हम वहाँ थे। कल ब्रह्मजुनार था, कल ब्रह्मजुनार के दरमियान में वहाँ करीबन 12 बजे तक के 12.5 बजे तक के सब लोगों के बीच में रहें और जब 12:30 बजे के बाद सोने गए तो 2:30 बजे अपने मकान मालिक के द्वारा खबर आया, वीडियो कॉलिंग के द्वारा बात हुआ कि हमारे गोदाम में आग लगी है। तो फिर हम वहाँ से 2:30 बजे निकल कर आ गए, चल दी वहाँ से और नवादा 5 बजे पहुँचे तो यहाँ दमकल लगा हुआ था। दमकल लगा हुआ देखे पूरा परिवार भी जो है यहाँ पर सब सारा लोग जो है यहाँ पे घिरे हुए थे। कितना नुकसान हुआ होगा? तकरीबन 40 लाख का। कब से ये था गोदाम? ये गोदाम प्रत्येक साल रिन्यूअल होता था। अच्छा, एक साल की एग्रीमेंट था। मतलब कितने दिनों से भी खुला हुआ है ये? मेरा तो 2012 से चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, मगर ये गोदाम मेरा करीबन 3 सालों से है। अच्छा ठीक। कैसे लगा पता चला? नहीं, पता नहीं चला कैसे लगा है।